यावर के लोगों को बड़ा मुबारक हो यार। तो मानते बाबर आजम अच्छा प्लेयर है? नहीं मानता तो दुनिया मानती है, मेरे ना मानने से क्या होगा? मतलब जो घंटे का किंग आपने लकब दिया वापसी ले सकते नहीं? नहीं नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। देखें यार मैं देखता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़े 5 इवेंट थे जहाँ पे वो नाकाम रहा। अभी वर्ल्ड कप में किसी में T20 वर्ल्ड कप में 27 रन थे ओवरऑल उसके, ठीक है। तो मैं तो ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ, बाबर वाली पिक्चर हमारे लिए तो ठीक है, हमारे पास इसके अलावा कोई है नहीं जी। हमारा मसला ये भी तो है कि 4-6 हमारे लोग होते हैं उसी के अंदर आपने आगे पीछे चलना होता है। चले लेकिन बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर। बाबर आजम इज अ गुड एंड वो घंटे का किंग जो लकब है, घंटे का किंग तो यार वो इसलिए है कि देखिए यार कि जहां पर मैं समझता हूँ कि यार इसको चलना चाहिए वहां ये घंटा मार देता है। तो कौन बने कैप्टन, कौन बने सर? कैप्टन बना मैंने शाहिद आपका, वो जी वो सही है, वो सही है। 4 मैचेस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करेंगे, शर्म आनी चाहिए। तो आप 4 साल आपने बाबर आजम को 5 इवेंट दिए, शाहिद का बेचारा एक न्यूजीलैंड के सीरीज में क्या नाकाम हुआ? आप यार कमाल हो गया भैया। टीम है, एक बात याद रखिएगा, आप जब तक कप्तान को स्ट्रेंथ नहीं देंगे ना, जैसे आपने बाबर को दी कि हार रहे हो कोई बात नहीं, हार रहे हो कोई बात नहीं, बाबर के तो रन आ रहे हैं, बाबर के तो रन आ रहे हैं। अरे लानत है ऐसे रन के ऊपर यार, जो आपकी जिल्लत में शुमार हो रहे हो। तो शाहिदी कर 6 मैच हार गया लगातार, शाहिद ने 2 टारगेट जिताए बैक टू बैक लाहौर को। भैया क्या हो गया तुम्हें यार? तो ये 6 आ रहा वो नहीं, कौन से 6 आ रहा? वो अकेला आ रहा है क्या? अच्छा बाबर करे तो अकेला, शाहिद के तो पूरी टीम। नहीं तो वो अकेला कर रहा है, शाहिद तो अभी कप्तान बना, जब कप्तान बना 2 टारगेट जिता दिए उसने, 7 हार गया। छोड़ दे सर छोड़ दे, आप शाहिद शाह अफरीदी के पीआर वाले लग रहे हैं मुझे। और कहीं से दूसरी ऊपर से आवाज आई है? एलोवेरा चोरी क्यों करना चाह रही हैं आप? ये देखिए कितना ज्यादा लगा है, दिखाएं। चलें उठा लें, उठा लें, चोरी कर लें, अब काटना पड़ेगा, उठा लें, उठा लें, चोरी नहीं नहीं उठाएं, काटे 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 कैसे? हाँ निकालें निकालें निकालें। ये वेरी नाइस, एक ले लिया। तो ये हमने चोरी कर ली, इन्होंने चोरी की, मैंने चोरी नहीं की, एलोवेरा चोरी कर लिया। ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसको यूज किया करें और खाने, लेकिन खरीद के चोरी करके नहीं। मैं ये तेरा दीवाना हूँ, तेरा दीवाना। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अ रॉकस्टार एंड चैनल टू माय वेलकम। आज कहाँ जा रहे हैं भाई? मुंह काला कर रहे हैं। हाँ और कितना काला होगा मेरा, आप तो गोरे चिट्टे हैं यार। तो लेट्स गो, पे आ गए। हम पर एहसान करने वाले, आप बताएं एहसान करने के लिए आप आ गए, आपका बहुत शुक्रिया सर। 3 बजे का टाइम देके 4 बजे 5 बजे 7 बजे आ रहे हो आप, ऐसा कैसे कर लिया आप? सलाम करने दो पहले, लोग काम कर रहे होते हमें। सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हाल है भाई? चाय पियेंगे बोतल? सलाम वालेकुम सर, सर प्लीज बैठे रहे। सर ये बता दें आप एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ बस ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ जाने थे यार? तमीज से रहो जनाब। हेलो, आप किधर जा रहे थे? हेलो अस्सलाम, कैसे हो? तेरी यादों का जब मुझको है बस ये दिखाना, दिल में छुपाए नजरों से तेरी खुशबू है कई गुना, तेरा दीवाना हूँ तेरा दीवाना। अच्छा चीज ला रहे हैं मार्केट में जिसको कहते हैं ड्रामा शॉर्ट्स, तो हम ड्रामे के सीन को टिकटॉक की तरह करेंगे। तो हमारे साथ एक्टर्स आइए फरा जी, ये सर भाई हैं और ये परफॉर्मेंस करने वाले हैं, अभी रिहर्सल कर रहे हैं। फरा जी कुछ कहना है? छोड़ लाइन्स करें, आप छोड़ें, आप आ जाएं, आ जाएं, मुझसे बात करें। सो मुझे फॉलो करो, आप पूरा सर्वे कराते हैं। ये एसोसिएट है काशिफ जी, ये जहीर मिर्जद, सब फेमस डायरेक्टर, माशाल्लाह से बहुत बड़े डायरेक्टर हैं सर। सर कैमरे में कुछ कह दें। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। और बोले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लाजमी करना, बस मेरी तरफ से आ गए आलती में, रसीद कर लो तो कर लो, अच्छी बात है। कोई जुमला? जुमला क्या कोई यार, हमारे जो भी बहुत अच्छे तारीफ करवा रहे हैं जबरदस्ती। ये हमारे मौलवी साहब हैं, कैसे हैं आप सर? सलीम राव साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं, आइए
एंड दिस इज द फेमस गाय जिससे लास्ट टाइम भी लड़ाई हुई थी मेरी बाबर आजम को लेके। सर कैसे आप, कुछ बाबर आजम की सेंचुरी के बाद कुछ हुआ पीएसएल में जो मारी है, कुछ फायदा हुआ पीएसएल का? यार पीएसएल को पिशावर को ही फायदा हुआ है, मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ तो मैं तो वो फायदा देखता हूँ मैं, और पिशावर के लोगों को बड़ा मुबारक हो यार। तो आप मानते बाबर आजम अच्छा प्लेयर है? नहीं मानता तो दुनिया मानती है, मेरे ना मानने से क्या होगा? मतलब जो घंटे का किंग आपने लकब दिया वापसी ले सकते हैं? नहीं 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 ये तो मुमकिन नहीं है। देखे यार मैं देखता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़े 5 इवेंट थे जहाँ पे वो नाकाम रहा। अभी वर्ल्ड कप में किसी में T20 वर्ल्ड कप में 27 रन थे ओवरऑल उसके, ठीक है। तो मैं तो ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ, बाबर वाली पिक्चर हमारे लिए तो ठीक है, हमारे पास इसके अलावा कोई है नहीं जी। हमारा मसला ये भी तो है कि 4-6 हमारे लोग होते हैं, उसी के अंदर आपने आगे पीछे चलना होता है। चले लेकिन बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर एंड वो घंटे का किंग जो लकब है, घंटे का किंग तो यार वो इसलिए कि देखे यार कि जहां पर मैं समझता हूँ कि यार इसको चलना चाहिए वहां ये घंटा मार देता है। बात वही है ना, देखिए सूफी साहब अब चक्कर क्या है, चक्कर यही है ना कि घंटा परफॉर्मेंस जब आती है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा। सर इस बात को अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है अभी कंटिन्यू करता हूँ। आपको करार नहीं आ रहा है यार, ये भी है ना हमारे ये येलो शर्ट वाले, ये शेजी भाई इनसे ये बैन हो जाएगा यूट्यूब पे, ये बैन है। आ, ओके। चले रेडी आजा आजा सीन रेडी बस रोल करेंगे। ये है मन टीवी, ये कौन है? ये हमारे ऑडियो इंजीनियर सोनू भाई। चले भाई सीन रेडी करने लगे और फिर दिखाएंगे आपको सीन। तुम्हें मालूम है ना कि मेरे शौहर को तुम्हारा आना जाना पसंद नहीं, फिर क्यों आते हो मेरे घर? मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे फैजा जो भी फूल चोरी करना चाह रही थी। आप क्या कह रही हैं? एलोवेरा चोरी करना चाह रही हूँ। एलोवेरा चोरी क्यों करना चाह रही हैं आप? ये देखे कितना ज्यादा लगा है, दिखाएं। चलें उठा लें उठा लें, चोरी कर लें। अब काटना पड़ेगा, उठा लें उठा लें, चोरी नहीं उठाए, काटे काटे काटे। कैसे? निकाले निकाले निकाले। ये वेरी नाइस, एक ले लिया। तो ये हमने चोरी कर ली, इन्होंने चोरी की, मैंने चोरी नहीं की, एलोवेरा चोरी कर लिया। ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसको यूज किया करें और खाने, लेकिन खरीद के चोरी करके नहीं। मैं ये चोरी की चीजें चोरी करूंगी ना, चोरी करके आपके सामने लेके जा रही हूँ। बताइए काशी सिंह को मैं चोरी चोर हूँ कोई? नहीं आप चोर हैं, आपने मेरा दिल चोरी किया। ये कब हुआ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बस आज हुआ आधे घंटे पहले। बस चुप कर जाओ, बस चले फायदा जी आए, हम लोग चले डेट पे आइए। नहीं सॉरी आप जा रही हैं, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैं गेट पे जा रही हूँ, ओके बाय 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 बाय। कभी पैसों से रिलेट और किसी के आगे हेल्प नहीं मांगना, और इस ड्रामे का जो नाम है बेसिकली तवक्कल, वो ईद पे है और यही इसका सबसे पॉजिटिव मैसेज है। ये एक आदमी बाबर आजम कोई बाकी 10 लोगों की टिकट थोड़ी खेल सकता है। मकसद ये बताने का कि ये नहीं होता कि यार आपकी एक्सपर्टीज ये है कि आप बैटिंग अच्छी कर लेते तो आपको कप्तान बना दे, नहीं आप में वो तमाम पूरी चीजें होनी चाहिए, स्ट्रेट स्मार्ट होने चाहिए आप। तो आपको पता होगा कि भैया बाकी 10 लोग जो खिला रहा हूँ तो उनको मैंने किस सिचुएशन में उतारना है, कंडीशन क्या है यहाँ पे दुनिया में। कौन बने कैप्टन, कौन बने सर कैप्टन? बना मैंने शाहिद आपका, वो जी वो सही है, बिल्कुल सही है। 4 मैचेस के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटी करेंगे, शरम आनी चाहिए। तो आप 4 साल आपने बाबर आजम को 5 इवेंट दिए, शाहीन का बेचारा एक न्यूजीलैंड के सीरीज में क्या नाकाम हुआ? आप यार कमाल हो गया भैया। टीम है, एक बात याद रखिएगा, आप जब तक कप्तान को स्ट्रेंथ नहीं देंगे ना, जैसे आपने बाबर को दी कि हार रहे हो कोई बात नहीं, हार रहे हो कोई बात नहीं, बाबर के तो रन आ रहे हैं, बाबर के तो रन आ रहे हैं। अरे लाना कैसे रन के ऊपर यार, जो आपकी दिल्ल में शुमार हो रहे हो। तो शाहीन अफरीदी कर रहा, 6 मैच हार गया लगातार, शाहीन ने 2 टाइटल जिताए बैक टू बैक लाहौर को। भैया क्या हो गया तुम्हें यार? तो ये 6 आ रहा वो नहीं, कौन से 6 आ रहा? वो अकेला आ रहा है क्या? अच्छा बाबर करे तो अकेला, शाहीन के तो पूरी टीम। नहीं तो वो अकेला कर रहा है, शाहीन तो अभी कप्तान बना, जब कप्तान बना 2 टाइटल जिता दिए उसने। 7 हार गया, छोड़ दे सर छोड़ दे, आप शाहीन शाह अफरीदी के पीआर वाले लग रहे हैं मुझे। और कहीं से दूसरी ऊपर से आवाज आई है। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज सिद्रा। हाँ माय नेम इज सिद्रा। तो इतनी छोटी सी एक्टिंग कर रही हो? जी क्यों? बस चलो तुम पोएम सुनाओ जल्दी से, इधरो पोएम सुनाओ। इसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को, अल्लाह ने बनाया फूलों को हम सब के लिए,
मिट्टी से बनाया मछली मछली को मछली को अल्लाह ने बनाया मछली। वेरी नाइस, ताली आनी चाहिए, तालिया तालिया। फ्रूट्स पे आने का एट टाइम्स ये प्रॉब्लम भी होता है कि आप जिस व्हीकल में आते हैं उस व्हीकल की कीज जो है शूट वाले घुमा देते हैं। तो अभी मेरी जो मैड लव है उसकी चाबी घुमा दी है। और फोटो साहब ये क्यों हुआ, मेरी चाबी क्यों घुमा दी? मेरी चाबी नहीं, मैड लव की चाबी क्यों घुमा दी? कोशिश कर, इंशाल्लाह मिल जाएगी। हाँ, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। नहीं तो अल्लाह तो मालिक है, बेशक अल्लाह ही मालिक है। और क्या, लेकिन घुमाया तो आप लोगों ने ना यार। नहीं, काफी बंदे थे, अभी लाजमी नहीं किसने घुमाया। मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश हमारी पूरी है। हाँ, जल्द से जल्द मिल जाए। बस ठीक है, मिल जाए। एक दफा जोर से बोल दो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ना ख्याल रखना, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कल आके लूंगा, क्योंकि अभी चाबी नहीं है तुम्हारी। ठीक है, बाय। तुझसे जुदा हूँ, तुझसे जुदा, मेरे दिल में बसी तेरी याद है, तू जो पास हो सब कुछ बदल जाए, मुझको है प्यार बस पे तुझ पे है निशा, तू है मेरी दुनिया, तू है मेरे अरमान, तेरा दीवाना हूँ, तेरा दीवाना। गन अगेन, माशाल्लाह से, लाइक ऑलवेज द डे वाज गुड, ऑसम, अमेजिंग, मजा आया। और बहुत सारे हमारे जो इफी भाई हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, इज अ फंटास्टिक पर्सन, और जब भी मिलते हैं बड़े प्यार इज्जत से मिलते हैं। ऑल द पीपल वर एक्सलेंट एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन जिसने मैड लव की चाबी घुमा दी। लेकिन ठीक है, ये थोड़ी कि मैं चाबी पे चलता हूँ, मैड लव चाबी पे चलती थी तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। और वो भी चलती नहीं थी, वो भागती थी, आपकी सोच है। तो एक दिन के लिए जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उससे जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा, मैड लव से कैसे करूंगा। तो यू नो व्हाट आई मीन, सो आज के लिए इतना ही। लेकिन जोक क्यों, जोक बहुत जरूरी है। एक महान आदमी ने एक किताब में लिखा था कि मर्दों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जितना औरतें बोलती हैं। बेचारा सिर्फ लिख ही पाया। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Subscribe and kacho. असल में टांगे पूरी होनी जरूरी भैया, 20 ओवर की टांगे अगर 50 ओवर में खड़ी कर दो सांस फूलती है, और अगर 5 मिनट में खड़ी कर दो तो इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। थैंक यू सर, थैंक यू।